जय हिंद। तो देखिए, नया एक रिक्रूटमेंट आया है। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं ऑल इंडिया, किसी की भी जो भी स्टेट है आपका, तो उससे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेटेस्ट रिक्रूटमेंट जो कि आया है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में, जो कि 22/10/2024 आज का डेट है। आज से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 22 अक्टूबर 2024 से लेके आप लोग लगभग 12 नवंबर 2024 तक आप लोग लगभग 1 महीना ये थोड़ा सा कम टाइम में आप लोगों को टाइम मिल रहा है अप्लाई करने के लिए। तो इसमें बहुत सारा कैटेगराइज वैकेंसी है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक एक करके डिटेल्स में। वीडियो को देखते रहिए। तो पहले जो आपका पोस्ट है वो रहेगा रिक्रूटमेंट ऑफ डिप्लोमा ट्रेन, यानी कि जो डिप्लोमा होल्डर है। जैसे आप लोग 3 साल का डिप्लोमा की इलेक्ट्रिकल सिविल में, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं जूनियर ऑफिसर ट्रेनी, HR, FNA, असिस्टेंट ट्रेनी FNA में। ये सारा कैटेगरी है, इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आगे आपको सारा कुछ डिटेल्स मिल जाएगा देखने को, तो वीडियो को देखते रहिए। और जो कि आपको सैलरी भी बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे जो है पावर ग्रिड में आपको दिया जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। और देखिए कहाँ पर कितना वैकेंसी है, कौन सा है, तो आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज करके आपका जो स्टेट है या फिर जहाँ से आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो आप लोग देख सकते हो। वेस्ट बंगाल, सिक्किम या फिर बिहार, झारखंड, सारा स्टेट है। आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए कौन सा पोस्ट में कितना वैकेंसी है, कौन सा रीजन में, वो आप लोग यहाँ पे जो कि देख सकते हैं, वो BSC ST OBC कैटेगरी वाइज। ठीक है, और मैं आपको बोल दूँ टोटल जो पोस्ट है यहाँ पे 802 टोटल ऑल इंडिया बेसिस में, यहाँ पे टोटल पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगा 802 यहाँ पे जो है टोटल पोस्ट है। तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। उसके बाद जो कि है आपका क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। पहले देखिए DET पोस्ट जो है, जिसमें आपको चाहिए हायस्ट फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए, वो भी कौन सा सब्जेक्ट में, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल रिकॉग्नाइज, जो भी आपका टेक्निकल बोर्ड है उससे अगर पास आउट है। और उसके साथ ही साथ 70% मार्क्स मिनिमम चाहिए जनरल OBC के लिए, EWS कैंडिडेट के लिए, एंड उसके साथ ही साथ पास मार्क्स चाहिए सिर्फ ST PWD कैंडिडेट के लिए। जनरल है, OBC है, फिर EW कैंडिडेट है, तो 70% मार्क्स आपको चाहिए। ठीक है, अगर आपका हायर क्वालिफिकेशन है BE BTech, तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। और उसके बाद DTC में अगर अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए भी आपका या फिर डिप्लोमा चाहिए 3 साल का सिविल इंजीनियरिंग में, अगर पास आउट है इसमें भी आपका सेम ही है, 70% जनरल OBC EWS के लिए और अदर्स कैंडिडेट के लिए नहीं। हायर सेकेंडरी या फिर हायर एजुकेशन है तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। JOT HR 3 ईयर फुल टाइम ग्रेजुएशन आपका चाहिए BBA BBM BBS में, मिनिमम 60% मार्क्स जनरल EWS और OBC कैंडिडेट के लिए, और SST है तो आपको पास मार्क्स पे अप्लाई कर सकते हैं। और JOT FNA जिसके लिए आपका चाहिए इंटर CA एंड इंटर CMA कैंडिडेट, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट उसके साथ पोस्ट ग्रेजुएट है CA CMA, तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको पोस्ट है, तो पोस्ट वाइज आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद एक लास्ट है असिस्टेंट ट्रेनी FNA, जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। BCom पास आउट है, मिनिमम 60% मार्क्स, तो आप लोग जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ अगर आपके पास कैंडिडेट पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है तो भी आप लोग अप्लाई यहाँ पे नहीं कर सकते। अगर हायर जो जो बोला गया आप लोगों को BCom जैसे यहाँ पे बोला गया, तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो सारा कुछ डिटेल्स मैंने आप लोगों को बोल दिया। और यहाँ पे देखिए मिनिमम एज आपका 18 साल, मैक्सिमम जो कि है यहाँ पे 27 साल अगर एज है जनरल कैंडिडेट, तो अप्लाई कर सकते हैं। और कौन सा पोस्ट में कितना आपका सैलरी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, 24,000 आपका बेसिक पे रहेगा। उसके बाद 12% आपका जो है पर मंथ पर ट्रेनिंग पीरियड के टाइम आपको मिलेगा, HRA और सब कुछ मिला के पैकेज। उसके बाद आपका 25 पे स्केल रहेगा 25,000। ठीक है, उसके बाद आपको 3% के हिसाब से DA मिलेगा 11,000, 1,17,500 तक आपको जो है सैलरी मिल सकता है। और CTC यानी कि एनुअली जो आपका सैलरी है वो 11,90,000 तक आपको सैलरी जा सकता है।
तो यहाँ पे पोस्ट वाइज है, यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के हिसाब अलग अलग आपको सैलरी यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये सब डिटेल्स है। और एप्लीकेशन फी 300 किसी किसी पोस्ट में, और जो एक दो पोस्ट है उसमें 200 आपको जो है अप्लाई करने के बाद आपको जो है पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो मिनिमम आपका सारा कुछ डिटेल्स मैंने लगभग बोल दिया आप लोगों को, और आगे बढ़ते हैं उसके बाद ही आपको और भी डिटेल्स मालूम चलेगा, जो कि आपका ज़्यादातर होता है कि सिलेक्शन प्रोसीड्योर कैसे होगा। तो देखिए, पहले तो आपका सिलेक्शन एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो कि है आपका स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो भी कैंडिडेट अगर कंप्यूटर टेस्ट में पास करते हैं उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद आपका एक मेडिकल चेकअप होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका जो है फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए, अभी 2 घंटा का एग्ज़ाम होगा आप लोगों को, ठीक है। ये 2 घंटे के लिए एग्ज़ाम देना होगा। 170 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 120 क्वेश्चन में जनरल टेक्निकल नॉलेज, प्रोफेशनल नॉलेज, ये सब में आपका क्वेश्चन रहेगा। पार्ट टू में 50 क्वेश्चन रहेगा, एप्टीट्यूड टेस्ट में टोटल आपका रहेगा 170। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स, रॉन्ग आंसर देने पे आपका 4 क्वेश्चन गलत करते तो एक आपका जो है माइनस हो जाएगा। सभी पोस्ट के लिए आप देख सकते हैं अलग अलग वाइज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका सभी के लिए है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको टेस्ट देना होगा, उसके बाद ही आपका जो है सिलेक्शन हो सकता है, पास पास कर जाते हैं आप लोग तो। और उसके बाद कंप्यूटर टेस्ट में भी आप देख कितने परसेंट मार्क्स आपको चाहिए, 50% मिनिमम आपका जो कि चाहिए, तब जाके आप लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। और उसके बाद आपका सीबीटी टेस्ट जो भी पास आउट होते हैं, उसके बाद आपको स्किल टेस्ट में बुलाया जाएगा। तो ऐसे करके जो कि सिलेक्शन प्रोसीडर है। और एक एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे कहाँ कहाँ है यहाँ पे आप स्क्रीन में आप लोग देख सकते हैं, तो चाहे तो आपको वीडियो को पोस्ट करके देख सकते हैं, जहाँ पे यहाँ पे पटना, रांची, कोलकाता, सिलीगुड़ी, शिलोंग, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और भी बहुत सारा जो कि जो शहर में आपको एग्ज़ाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। जब आप लोग फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसी हिसाब से आपको चूज़ करना होता है। तो फोटो वगैरह कितना के, कौन सा कितना के भी चाहिए डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और चलिए लास्ट डेट के बारे में बोल देते हैं आप लोगों को। तो लास्ट डेट यहाँ पे जो कि है आप लोगों को, जैसे मैंने बोला, 22 अक्टूबर 2024 से ऑनलाइन में फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया, और 12 नवंबर 2024 तक आप लोग ऑनलाइन में जो कि फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और उसके बाद जो एडमिट कार्ड आएगा, लगभग 1-1.5 महीने बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा एग्ज़ाम का। तो यहाँ पे जो कि एग्ज़ाम है वो देख सकते हैं लगभग आप जनवरी फरवरी, यानी कि 2 महीना के, 2-3 महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम आपको हो जाएगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन जून जुलाई 2025 तक आपका सिलेक्शन भी ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो ये वीडियो में इतना ही था, आगे के लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए बने रहे। और अगर आपके पास और भी कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो ज़रूर शेयर करें हमसे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद फ्रेंड्स।